नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर पुलिस के द्वारा शहर में किए गए जबरदस्त एंटी क्राइम अभियान से संबंधित है। एंटी क्राइम अभियान के तहत नशा का कारोबार एवं नशा करने वालों के खिलाफ साहिबगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई युवकों को गिरफ्तार किया है। रविवार की देर रात नगर थाना क्षेत्र KLC रोड स्थित हाफिज मेडिकल के बगल गली में टाटी लगी एक झोपड़ी से ब्राउन शुगर बेचने वाले एक युवक व उनकी सहयोगी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान नौशाद आलम ने सोमवार शाम अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर थाना के प्रभारी थाना प्रभारी शिव कुमार सिंह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि LC रोड में एक युवक ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना पाते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में जिरवाबड़ी OP प्रभारी चिरंजीव प्रसाद, सौरभ कुमार, जगन्नाथ पान, मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, सतीश आशीष सोनी, प्रणीत पटेल सहित पुलिस बल को शामिल किया गया। फिर बताए हुए जगह पर पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया, जहां से मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद फजल कुरैशी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इरशाद आलम व मोहम्मद रकीब अंसारी को सभी सकिन LC रोड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SP ने बताया कि गिरफ्तार युवकों के पास से 5 पुड़िया ब्राउन शुगर, 10,000 रुपया नकद, 3 ओप्पो कंपनी का मोबाइल, 1 लाइटर, 2 चाकू, 1 कफ सिर, 2 चिलम, 2 सिल्वर खाली रैपर व 1 बांस का बना बोम भी बरामद किए। SP ने बताया कि गिरफ्तार युवकों पर नगर थाना का संख्या 82/23 दर्ज करते कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने और क्या कहा, चलिए उनसे सुनते हैं। टाउन और जिरवाबाड़ी में चूँकि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है और उसमें नवयुवक लोग नशीली दवाओं का शिकार है, इसकी सूचना आम जनमानस की तरफ से हमको मिली थी। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए जिरवाबाड़ी प्रभारी थे, टाउन के बहुत सारे ऑफिसर लोग हैं, मुफस्सिल के भी प्रभारी को उन्होंने लगा रखा। कल ऑप्स के क्रम में 5 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें से सभी लोग लोकल ही हैं, साहेबगंज जिला के थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं लोग। मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अशफाक, फैजली कुरैशी, दानिश आमीन और इरशाद आलम, इन लोगों को जब सर्च किया गया सभी लोग एक जगह बैठे हुए थे और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ प्रोहिबिटेड जो दवाएं हैं सिरप के रूप में, उसको भी लोग यूज़ कर रहे थे बैठ के पास से देख रहे हैं। अगर पैसा 10,500 मिला, मोबाइल फ़ोन मिला, लाइटर मिला, चाकू मिला, बहुत शार्प कटिंग चाकू, बहुत डैगर जिसको बोलते हैं, वो मिला है, और गांजा पीने वाली वो चिलम जो होती है, वो सभी बहुत सारी चीज़ें मिली। एक्चुअली ये लोग उसका सेवन कर रहे थे और सेवन करने के बाद फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपराधिक घटनाओं को ये लोग अंजाम देते, तो टीम ने एक अच्छा काम किया है और इन लोगों को डिटेन फिलहाल करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं। चूँकि साहेबगंज जिला का अभी तक मेरा जो खुद का एनालिसिस है, वो में ये हमको समझ में आया है कि कम से कम ब्राउन शुगर का कल्टीवेशन OPM के यहाँ शायद नहीं होता है, किसी ने अभी तक बताया नहीं, और ब्राउन शुगर का एंड प्रोडक्ट है ब्राउन शुगर, जो कहीं ना कहीं OPM से ही आता है, अफीम से ही आता है, अफीम के बाद ब्राउन शुगर बनता है। तो इसका स्रोत या व्यापार कहीं दूसरे जगह से नाव जहाज के माध्यम से लोग बाहर से दूसरे राज्य के अन्य जिलों से ला रहे हैं, हमको लगता है कि मेरा कहने का मतलब बिहार से जरूर लाते हैं और नाव के माध्यम से। कुछ लिंक हम लोगों को मिला है, वहां भी कार्रवाई हमारी ये टीम निश्चित रूप से जाकर करेगी। ये नवयुवक, नए लड़के सभी लोग इसका सेवन कर गए हैं, जीवन तो अपने खतरे में डाल ही रहे हैं, खास तौर से अपने परिवार को भी, और आपराधिक गतिविधियों में भी लोग लिप्त हो रहे हैं, छोटी छोटी अपराध हो रही है और इन लोगों को खुद को पता नहीं कि हम क्या कर बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। आपके माध्यम से अनुरोध भी करेंगे यहाँ के आम जनमानस को और जो भी बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग हैं, कि वो लोग मिलके ऐसे जहाँ भी ये लोग सेवन करने वाले हैं या कहीं बिक रहा है या कहीं मिल रहा है, तो हमारे मोबाइल फोन पर निश्चित रूप से सूचना दें, हम लोग उसमें, ये जो एक्टिव टीम हमने एक SIT का गठन कर दिया परमानेंट, तो कहीं भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, हीरोइन का मैटर हो, हीरोइन तो बहुत हाई लेवल का चीज़ हो गया, लेकिन आजकल कहाँ बड़ा मुश्किल है कि कौन आदमी किस चीज़ का सेवन कर बैठेगा। और प्रोविडेंट जो दवाई है, चाहे वो कोरेक्स के रूप में हो, सिनारेक्स के रूप में हो, सब नकली दवाई है, दवा है जो इसका इस्तेमाल करने के लिए, नशीली पदार्थ के लिए, सारा
एनडीपीएक्स के परव्यू में आता है, तो उस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे और नवयुवक जो एक दलदल में जा रहे हैं यहाँ के, उनको रोकने का हम लोग सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। सर कितना ग्राम मिला था? ये तो पुड़िया के हिसाब में मिलता है, वो तो बहुत कॉस्टली चीज है। देखें एक मामूली से आदमी जिसके पास कोई अर्निंग नहीं है, 10,500 रुपया रखा है जो उसके पास से बराबर, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब यही है कि आप लिए कॉस्टली चीज मिलता है कहीं ना कहीं से, फिर ये पैसा आप जमा कर लिए है, चाहे वो आपराधिक गतिविधि से लाए, किसी से छीन के लाए हैं। चूंकि ट्रेन रूट भी है, बहुत पैसेंजर लोग भी आते हैं, तो सारा कंप्लेन कर नहीं पाते हैं, भागने की उनकी तैयारी, अगर पैसा ले लिया, बैग ले लिया, कोई लेकर भाग गया वहां से स्टेशन, तो बहुत सारे लोग अनक्लेम्ड रह जाता है, और इस तरह से ये लोग फल फूल रहे थे। इस पर अंकुश जो लगा है, ये रैकेट चल रहा था, अंकुश जो लगा हमको ऐसा लगता है कि अब यहाँ की आम जनमानस, चाहे पैसेंजर लोग भी ट्रेन से हो, चाहे बस वाले हो, या फिर नाव से चल के इधर व्यवसाय करने के लिए लोग आते हैं, इधर से जाते हैं, वो लोग राहत की सांस जरूर लेंगे।